हे गाइस, आई होप यू आर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। सो दोस्तों, आजकल जब भी आप कभी कोई नया मोबाइल फोन, टैबलेट या आजकल तो लैपटॉप भी अगर लेने की सोचते होंगे, तो अक्सर आपको एक टर्म सुनने को मिलती है कि इस डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो एक आर्म बेस्ड चिपसेट है। सो दोस्तों, मैं हूं अंकित और चैनल आउटराइट टेक पर आज हम बात करने जा रहे हैं आर्म बेस्ड चिपसेट्स के बारे में। सो गाइस, किसी भी डिवाइस का जो मेन की कॉम्पोनेंट होता है वो होता है प्रोसेसर या फिर CPU, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि डिवाइस को हम जो भी इंस्ट्रक्शंस या इनपुट देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोसेसर के माध्यम से वो डिवाइस एग्जीक्यूट करता है और कुछ आउटपुट हमको वापस देता है। अगर इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेना चाहें, तो आपके फ़ोन में एक ऐप होती है कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर ऐप को कुछ इनपुट देते हैं, जैसे कि 5 × 5। जैसे ही आप वो इक्वल टू वाला बटन दबाते हैं, तो एक आउटपुट आपको देखने को मिलता है 25। तो बेसिकली इस आउटपुट को आपके सामने लाने के लिए बिहाइंड द सीन्स कुछ कैलकुलेशंस हुई हैं, जिसमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये सारा काम आपके प्रोसेसर ने किया है, डिवाइस के प्रोसेसर ने किया है। गाइज, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि किसी एक डिवाइस में सिर्फ एक ही प्रोसेसर लगा हुआ हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक डिवाइस में एक चिप पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर्स। सो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुई हैं, वैसे वैसे ये प्रचलन भी बढ़ा है कि एक चिप पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगाए जाएं, जिससे कि डिवाइस को परफॉर्मेंस और बेहतर करने की कैपेबिलिटी मिले। तो जैसे जैसे मल्टी कोर प्रोसेसर्स लगाए गए डिवाइसेस पर, वैसे वैसे डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आउटपुट देते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स की, तो ज़्यादातर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स में जो प्रोसेसर लगा होता है वो इंटेल या AMD का प्रोसेसर होता है। तो इस प्रोसेसर का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होता है, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है। लेकिन इस परफॉर्मेंस को डिलीवर करने के लिए उसको चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग पावर सप्लाई सिस्टम, एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, जिससे कि उस डिवाइस की ग्राफिकल परफॉर्मेंस बेहतर हो, अच्छी हो। और चाहिए होता है एक अच्छा बेहतर कूलिंग सिस्टम, जो कि डिवाइस को ओवरहीट ना होने दे या किसी भी तरह के डैमेज हार्डवेयर को ना होने दे। और क्योंकि इनकी पावर कंजम्पशंस ज़्यादा होती है, तो इनको चाहिए होती है एक बड़ी बैटरी। लेकिन वहीं दूसरी अगर हम बात करते हैं एक मोबाइल डिवाइस की, तो इसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग तरह के होते हैं। क्योंकि मोबाइल डिवाइस का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, इसके अंदर इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं हो पाती है कि हम इस तरह के बड़े हार्डवेयर्स को इसमें फ़िट कर सकें, जैसे कि इस तरह का कूलिंग सिस्टम या फिर बड़ी बैटरीज़। तो इसलिए इनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसी तरह के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मोबाइल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर्स ने चूज़ किया आर्म को, जिसका मतलब होता है एडवांस रिस्क मशीन, जिसमें रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। सो दोस्तों, आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स जो होते हैं, इनकी पावर रिक्वायरमेंट इंटेल या AMD के प्रोसेसर्स के मुकाबले, जिनको कि हम x86 आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर्स भी कहते हैं, उनके मुकाबले काफ़ी कम होती है। इसीलिए ये एक बेहतर विकल्प होते हैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए, और ये बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन सेट को एक ही मेमोरी साइकिल में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, डिकोड करना और फाइनली एग्जीक्यूट करना। इसी के चलते इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है, और x86 प्रोसेसर्स जैसे कि इंटेल या AMD, उनके मुकाबले इनकी एक ही इंस्ट्रक्शन सेट काफ़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसको ये बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। दोस्तों, ARM और x86 के बीच जो कोर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ARM की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो CPU रजिस्टर्स पर डायरेक्टली ऑपरेट करती हैं। रजिस्टर्स को आप समझ सकते हैं, ये एक तरह की टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होती है, जो कि CPU के अंदर ही बिल्ट इन होती है। इसी के चलते ये थोड़ा फास्ट हो जाता है और कम इंस्ट्रक्शंस में बहुत ज़्यादा डेटा मेमोरी से लोड कर सकता है और मेमोरी में सेव भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर x86 आर्किटेक्चर जो होता है वो डायरेक्टली मेमोरी पर ऑपरेट करता है, जो कि CPU से अलग होती है, बाहर होती है। अब चूंकि मेमोरी CPU से बाहर है, इसलिए उस पर ऑपरेट करने जाएगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और चूंकि मेमोरी एरिया बहुत बड़ा होगा, उस बड़े मेमोरी एरिया पर ऑपरेट करने चलेगा तो उसकी पावर कंजम्पशन भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेरिजन टू ARM प्रोसेसर्स। सो इसीलिए दोस्तों, ARM को एक सिंपल आर्किटेक्चर समझा जाता है,
और ये हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, फास्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करता है और कम स्पेस लेता है। लेकिन X86 थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेता है, पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है और पावर ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स बहुत ही लोअर पावर कंजम्पशन में एक हाई परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं ये परफॉर्मेंस X86 बेस्ड इंटेल या AMD की परफॉर्मेंस से बहुत बेटर हो, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस के लिए बहुत ही सुटेबल ऑप्शन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि इसको मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट होती है वो X86 के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, जो कि इसको एक बहुत ही अच्छा सुटेबल ऑप्शन बनाता है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। और हाल ही में आर्म के डिज़ाइंस मॉडिफाइड किए गए हैं उसकी सपोर्टेबिलिटी 64 बिट के प्रोसेसर्स के साथ बनाने के लिए। सो पहले आर्म सिर्फ 32 बिट्स के प्रोसेसर को सपोर्ट कर पाता था, अब 64 बिट्स के प्रोसेसर को भी सपोर्ट कर पाएगा, जिसके चलते ये एक वायबल ऑप्शन बनकर उभर सकता है लैपटॉप्स के लिए भी। आपने दोस्तों हाल ही में एप्पल का अनाउंसमेंट सुना होगा कि वो अपनी लैपटॉप्स की लाइनअप को, मैकबुक्स को धीरे धीरे एक फेज्ड मैनर में आर्म पर शिफ्ट करने जा रहा है। सो ये एक बड़ा ट्रेंड सेटर हो सकता है और हमें हो सकता है देखने को मिले आने वाले टाइम में कि और लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर्स भी धीरे धीरे आर्म को चूज़ करें एज कम्पेयर टू X86 बेस्ड इंटेल और AMD प्रोसेसर्स। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने पास्ट में एक अटेम्प्ट किया था आर्म बेस्ड डिवाइस बनाने का, लेकिन उसको मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। ओके, तो ये हुआ आर्म के बारे में। लेकिन दोस्तों आर्म आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कौन करता है? वेल, इसको डिज़ाइन करती है एक कंपनी जिसका नाम है आर्म होल्डिंग्स। हालांकि ये कंपनी खुद कोई प्रोसेसर नहीं बनाती है, लेकिन ये उन प्रोसेसर्स के डिज़ाइंस को बनाती है और उन प्रोसेसर्स के इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करती है। और जब ये सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो ये अलग अलग कंपनीज को लाइसेंस प्रोवाइड करती है उन डिज़ाइंस को यूज़ करने का। अब ये अलग अलग कंपनी अपने अलग अलग आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स बनाती हैं अपने अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसी के चलते हर मैन्युफैक्चरर की आर्म बेस्ड प्रोसेसर की परफॉर्मेंस एक प्रोसेसर से डिफरेंट हो सकती है। अब अगर आप आजकल के सिनेरियो की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट आर्म बेस्ड प्रोसेसर एप्पल बनाता है जिसका नाम है A13 बायोनिक चिप, जो कि उनके आईफोन के फ्लैगशिप फोन्स में होती है। इसके अलावा एक और कंपनी है क्वालकॉम, जो कि प्रोसेसर बनाती है स्नैपड्रैगन 865। ये एंड्रॉयड के मेन फ्लैगशिप फोन्स में यूज़ होता है। और इसी कंपनी का क्वालकॉम का ही एक लोअर वेरिएंट भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि 765G के नाम से आता है, कि मिड टीयर एंड्रॉयड डिवाइसेस में लगा होता है। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग भी अपना आर्म बेस्ड प्रोसेसर बनाती है जिसका नाम है एक्साइनस, और ये प्रोसेसर भी सैमसंग के कुछ फ्लैगशिप डिवाइस में यूज़ होता है। सो अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ तो पहली बार जिस मोबाइल फ़ोन में आर्म बेस्ड प्रोसेसर यूज़ हुआ था वो था नोकिया का 6110 मोबाइल। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स में आर्म बेस्ड प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ लाइटवेट लैपटॉप्स, जैसे कि आजकल क्रोमबुक्स आती हैं तो क्रोमबुक्स के कुछ मॉडल्स में भी आर्म प्रोसेसर्स होते हैं। इसके अलावा आपके स्मार्ट टेलीविजन्स में भी आर्म प्रोसेसर्स होते हैं और सेटटॉप बॉक्सेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। इतनी वैरायटी में इनको यूज़ किया जाता है कि ये आर्म प्रोसेसर्स आपको मिल जाएंगे दुनिया के सबसे छोटे कंप्यूटर से लेकर सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर तक में। और तो और इन प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाता है एज ए माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड डिवाइसेस में, जैसे कि कार्स में यूज़ होने वाला रियल टाइम सेफ्टी सिस्टम ABS, उसमें भी आर्म प्रोसेसर यूज़ होता है। और फिंगरप्रिंट सेंसर्स के लिए यूज़ होने वाले बायोमेट्रिक सिस्टम्स में भी आर्म प्रोसेसर यूज़ होता है दोस्तों। और आजकल जितनी मॉडर्न स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं उन सब में भी आर्म प्रोसेसर ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्वालकॉम का टोक प्रोसेसर, जो कि ज़्यादातर स्मार्ट वॉचेज़ में यूज़ होता है। दोस्तों अभी आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आउटराइट टेक को और दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल का आइकन, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इसी तरह के और टेक वीडियोज़। सो दोस्तों अभी के लिए बाय, और फिर मिलेंगे जल्दी।